थैंक यू सो मच अभी हम लोग गीत गाएंगे कि यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूं कुर्बान जीऊंगा मैं रोज मसीह में उस पर रखूंगा हिमा

आगे के समय को गुरु शास्त्री जॉनसन सिफिलिक को सर के हाथ में आगे के समय को समर्पित करते हैं तो शुक्रिया शास्त्री जी महाराज आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं इस क्लास के पीछे भाई रणजीत का काफी हाथ है क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैंने अंग्रेजी में परिवार संबंधित एक क्लास लिया था तब उसमें भाई रणजीत और परिवार ने हमारे लिए या मेरे लिए गाना प्रस्तुत किया था और उस क्लास के बाद भाई रणजीत ने तुरंत ही कह दिया था कि सर ये अंग्रेजी अंग्रेजी में ही आप देते रहेंगे तो सही नहीं रहेगा हम जो चंबल के हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ कीजिए तो हम दोनों ने आपस में चर्चा की और उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि ये जो क्लासेस हैं हर महीने का पहला क्लास परिवार से संबंधित होगा जिसके पीछे कई सारे कारण हमारे मन में है जिसमें से एक कारण यह है कि आज परिवार का स्वरूप बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है उस विषय के बारे में बोलने से पहले मैं जरा याद दिला दूं अभी भाई रंजीत जब बोल रहे थे तब आप सभी लोगों ने नोट किया होगा कि उन्नीस में जब ये विद्यार्थी के रूप में आए थे उन्होंने बताया कि मैंने एक किताब की रचना की मलयालम भाषा में इस पुस्तक का नाम है संतुष्ट परिवार इसको जीएलएस ने छापा है गॉस्पेल लिटरेचर सर्विस ने और जीएलएस को कभी ये उम्मीद नहीं थी लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक बिकने वाली मसीही पुस्तक बन गई है इसके लगभग 20 एडिशन्स हो चुके हैं और अभी इसका रिविजन चल रहा है जिससे कि रिवाइज एडिशन जल्दी ही वो छाप सकें। मलयालम भाषा में आम, कोई पुस्तक बीस एडिशन जो है किसी पुस्तक ने स्पर्श नहीं किया है मैंने भी जितनी पुस्तकें लिखी हैं उसमें सबसे अधिक चलने वाली ये है। लेकिन अभी तक सिर्फ मलयालम भाषा में है मैं इन दिनों अंग्रेजी में लिख रहा हूं अंग्रेजी में लिखने का एडवांटेज यह है कि अंग्रेजी में भी आ जाएगा और अंग्रेजी से कोई ना कोई हिंदी में अनुवाद कर ही देगा और इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में वो पुस्तक जल्दी ही उपलब्ध हो जाए उसके लिए सभी लोग प्रार्थना करें मेरे लिए आप लोगों ने बहुत प्रार्थना की मैं शुक्र गुजार हूं काफी बेहतर हालत में हूं लेकिन अभी एक 20 प्रतिशत की कमी है वो भी वापस मिल जाए उसके लिए प्रार्थना करें मैंने पिछले हफ्ते जब अंग्रेजी में नोटिस दिया था कि प्री मैरिटल काउंसलिंग पे क्लास लेने जा रहा हूं तो एक भाई ने मुझे बुला के कहा कि कैसी अनहोनी करते हैं ऐसे क्लास पब्लिक में लेंगे क्या तो मैंने पूछा कि क्यों इसमें क्या परेशानी है अरे भैया आप सेक्स वगैरह के बारे में बताएंगे पब्लिक में और आपने तो लिख दिया है कि बच्चे बड़े सब अटेंड कर सकते हैं मैंने सर पीट लिया मैंने पूछा कि ना लायक मेरा विद्यार्थी था इसलिए मैं उससे कुछ भी पूछ सकता हूं नालक विवाह को तूने सेक्स से क्यों जोड़ा तो बोला कि सर सब जगह सार को ही जानता है मैंने कहा कि यही तो परेशानी है उसके बाद इस हफ्ते के लिए जो है नोटिस दिया तो एक और विद्यार्थी ने बुला के पूछा कि सर आप क्या गजब करते हैं आपने नोटिस में लिखा है कि बच्चे बड़े अटेंड कर सकते हैं तो मैंने कहा कि हाँ बच्चे बड़े अटेंड कर सकते हैं इसमें कौन बड़ी बात है बोला कि सर सेक्स वगैरह के बारे में बताएंगे मैंने फिर सर डबल पीट लिया कि मैरिज के बारे में बात करते हैं तो सेक्स के अलावा कुछ तुमको नहीं है क्या तो पहला प्रश्न विषय प्रवेश करने के पहले पहला ही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम परिवार की बात करते हैं विवाह की बात करते हैं तो अचानक सेक्स विषय मन में क्यों आता है यदि सेक्स विवाह है तो हमारे शहरों में सड़क चलते कुत्ते कुतिया वो भी सेक्स करते हैं तो इसका मतलब है कि हमसे ज्यादा बेहतर है उनका वैवाहिक जीवन क्योंकि ना सास है ना ससुर है ना ननद है ना भाभियां है इतना ही नहीं ना एक पति है न एक पत्नी है तो उनका वैवाहिक जीवन हमसे ज्यादा संतुष्ट है किसी को मनाने नहीं पड़ता है हम लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया है इतना खराब हो गया है कि पवित्र बाइबल की ऑलमोस्ट छियासठ पुस्तक में विवाह के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है विवाह क्या है किसने इसकी सृष्टि की है इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना है यह सब प्रभु के वचन में बताया हुआ है उसके बाद जो है लोग मुझसे बुला के पूछ रहे हैं कि बच्चे बड़े एक साथ अटेंड करेंगे तो नाटक नहीं हो जाएगा क्या तो सवाल यह है कि आप लोग बाइबल पढ़ते हैं या माध्यमों इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में जो बात होती है उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तो मनुष्य को धोखा देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इस तरह के सैकड़ों बल्कि उससे अधिक लोगों को जानता हूं जिनके वैवाहिक जीवन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है ऑलमोस्ट हर दिन मुझे इस तरह के पत्र जवानों से मिलते हैं जिसको पढ़कर मैं सर पीट लेता हूं कि भैया कम से कम बाइबल खोल के ढंग से पढ़ लिया होता तो यह सब नहीं होता लेकिन हम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि हम प्रभु का वचन विवाह के बारे में जो बोलता है उसको प्रभु के वचन से ही पढ़कर समझने के बदले दुनिया में लोग जो कहते हैं उसके आधार पर अपने वैवाहिक जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं वैवाहिक जीवन का क्रम उसके आधार पर क्रमबद्ध करने की कोशिश करते हैं जिसका परिणाम ये होता है कि ना तो विवाह रहता है ना जीवन रहता है सब कुछ बर्बाद हो जाता है इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों प्रभु ने मदद की तो हर महीने पहला हफ्ता हम मसीही परिवार को डिवोट करेंगे और इस विषय के विविध पहलुओं का अध्ययन करेंगे मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हम में से सब जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में जो हो रहा है उसके प्रोडक्ट हैं और जिस समाज में हम रह रहे हैं वो हमको पूरी तरह से भ्रष्ट कर रहा है हमारे मनों को पूरी तरह से भ्रष्ट कर रहा है अशुद्ध कर रहा है विवाह क्या है विवाह का उद्देश्य क्या है सफल वैवाहिक जीवन क्या है ये सब हम भूल चुके हैं अभी कल ही मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था दैनिक भास्कर में एक विवाह के बारे में रिपोर्ट छपी है हुआ क्या कि एक सामान्य गैर मसीही विवाह हो रहा था लड़का लड़की दोनों विवाह मंडप में आ गए दोनों ने एक दूसरे के गले में वर माला डाली इसके बाद जैसा उन लोगों का कायदा है उसके अनुसार वे लोग अग्नि के साथ फेरे लेने वाले थे लेकिन इसके पहले उस लड़के ने एकदम से उस लड़की के पास जाकर पब्लिक में उसको चूम लिया लड़की हैरान हो गई लड़की के परिवार वाले हैरान हो गए क्योंकि यह भारतीय समाज की मर्यादाओं के विरुद्ध है लड़की तुरंत मंडप से बाहर निकल गई बहुत हो हल्ला हुआ फाइनली पता चला फाइनली पता चला कि लड़के के दोस्तों ने उससे शर्त लगाया था कि तू जैसे ही वर्माला डाल देता है लेकिन साथ फेरे अपनी होने वाली बीवी के साथ ले उसके पहले उसको चूम के दिखा और यदि तू पुरुष है तो चूम के दिखा और यदि ऐसा करेगा तो सौ रुपये महज सौ रुपये के लिए वो आदमी तैश में आ गया वो विवाह डिसॉल्व हो गया उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि आज इस तरह से जो है बेशर्मी कर रहा है दोस्तों के कहने पे तो कल दोस्तों के पहने पे कहने पे पता नहीं क्या क्या करेगा हम लोगों ने वैवाहिक जीवन को इतना सस्ता और इतना सड़क छाप बना दिया है कि हमको लगता है कि वैवाहिक जीवन में सौ रुपए के लिए यदि कोई शर्त लगाता है तो उसके लिए बेशर्मी करनी पड़े तो भी कोई बात नहीं है विवाह एक शर्त नहीं है ना ही शर्त जीतने का मैदान है विवाह एकदम से अलग चीज है ये मैंने लेटेस्ट आपको इसलिए बताया कि यदि मैं अपनी याददाश्त से कोई घटना बताऊं तो आपको लगेगा कि आ, शास्त्री जी वो तो पहले होता होगा आजकल तो लड़के समझदार हो गए हैं बात बिल्कुल उल्टी है आजकल लड़के समझदार नहीं हो गए हैं बल्कि वैवाहिक जीवन के मामले में लड़के लड़कियों के बीच में नासमझी बढ़ती जा रही है मैं इस तरह के कई लड़कों को जानता हूं कई ए, इस समय उम्र में तीस से लेकर अस्सी साल के लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने लोगों से शर्त लगाई थी कि वैवाहिक जीवन में हम अपनी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा करके दिखाएंगे ये मूर्ख लोग ये बात भूल गए कि वैवाहिक जीवन आपसी संगति के लिए होता है शर्त जीतने हारने के लिए नहीं और आपके दोस्त यदि आपके शादी के बारे में आपसे शर्त लगा रहे हैं तो यकीन माने कि वे आपको ना केवल उल्लू बना रहे हैं बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में दहरार डालने के लिए यह सब कर रहे हैं तो इस कारण 21वीं शताब्दी में हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख गए हैं हम हम जितना जानते थे उस उम्र में उससे ज्यादा वे लोग जानते हैं लेकिन विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में उनके अंडरस्टैंडिंग में कोई खास बदलाव नहीं आया बल्कि उनकी समझ समझ के बदले मूर्खता में बदल गई है और इस मूर्खता के कारण ही मुझसे इन कई भाइयों ने बुलाकर ये पूछा था कि विवाह के बारे में चर्चा करेंगे तो शास्त्री सर आपने बच्चे बड़ों को कैसे न्योता दिया बच्चों को बैठा के कैसे बात करेंगे यह सब उस गलत फहमी का कारण है और इस कारण आज जो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि विवाह क्या है इसके बारे में प्रभु का वचन जो कहता है उस पर कभी आपने गंभीरता से ध्यान दिया है क्या विवाह शब्द का उपयोग किए बिना विवाह के बारे में जो पहला स्टेटमेंट प्रभु के वचन में आता है वो उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय 27 और 28 में पद में हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 27 और 28 में हम देखते हैं तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की परमेश्वर ने उनको आशीष दी उनसे कहा फूलों फलों पृथ्वी में भर जाओ उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और पक्षियों पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो परमेश्वर ने इकतीसवें पद में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा बहुत अच्छा है तो पहली बात जो हमें समझ लेनी चाहिए वो यह है कि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की है पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की है और यदि परमेश्वर ने की है और यदि चूंकि परमेश्वर ने की है और चूंकि परमेश्वर ने ही ये डिक्लेयर किया है ये घोषणा की है कि सब कुछ अच्छा है तो इसका मतलब है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसका अनुमोदन परमेश्वर स्वयं करते हैं परमेश्वर ने यहाँ एकदम से कह दिया कि पुरुष और स्त्री की सृष्टि की उसका डिटेल हमको दूसरे अध्याय में मिलता है दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय के उत्पत्ति दो के अठारह में हम देखते हैं यहा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए ये पद हम में से हर व्यक्ति सैकड़ों बार सुन चुका है लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं इस पद का अनुवाद गलत हुआ है दरअसल आजकल जो अंग्रेजी अनुवाद चल रहा है किंग जेम्स वर्शन इसका अनुवाद आज से साढ़े पांच सौ साल पहले हुआ था साढ़े पांच सौ साल पहले इंग्लैंड में स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था स्त्रियों का कोई हक नहीं था वोट नहीं दे सकते थे चूंकि स्त्रियों को पुरुष की जूती समझा पैरों की जूती समझा जाता था इसलिए किंग जेम्स बाइबल का जो ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेशन है उसमें अंग्रेजी में जो शब्द आया है वो है आई विल मेक मैं बनाऊंगा ए हेल्प मीट ए हेल्प सुटेबल मैं उसके लिए उसकी मदद के लिए उपयुक्त एक व्यक्ति की सृष्टि करूंगा ये नहीं है जो प्रभु का वचन कहता है हेल्प Help या हेल्पर क्या होता है इसी चंबल में जहां भाई रणजीत अभी हैं जब मैं फिजिक्स लैब के ऊपर प्रिसाइड करता था तब लैब में एक लैब असिस्टेंट होता था उसके नीचे लैब अटेंडर होता था सबके नीचे होता था लैब हेल्पर ना तो पढ़ा लिखा होता था ना ही वो किसी चीज के बारे में जानता था बस उससे कह दो कि अरे कालू इधर आ टेबल साफ करो कालू ये जो है बैटरी से पानी गिर गया है वो लैब में जो विशेष बैटरीज होती है, से, में से पानी बार जाता है इसको साफ कर तो वो आके साफ करता था ये होता है हेल्पर का काम का। अंग्रेज ने जब इब्रानी भाषा से बाइबल का अध्ययन किया तो स्त्री के लिए उस शब्द का उपयोग किया जो समाज में सबसे नीचे तबके के लोगों के लिए होता है और हम जब बाइबल का अनुवाद हिंदी में हुआ तो उन नालायक लोगों ने बिल्कुल अंग्रेजी से उठा के हिंदी में रख दिया कि मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा नहीं प्रभु का वचन जो है ऐसा नहीं कहता है प्रभु का वचन कहता है मैं उसके लिए एक संगी संगी का मतलब है जो संग संग चलता है उसको सखी भी कहा जा सकता है स्त्री है इसलिए उसको सखी भी कहा जा सकता है मैं उसके लिए एक सखी की सृष्टि करूंगा जो हर बात में उसके साथ संगति करेगी पारिवारिक जीवन का मतलब संगति है पारिवारिक जीवन का मतलब है कि एक सखी और एक सखा एक दूसरे के साथ एक लंबी राह पर चलने के लिए निकल पड़े हमारे जीवन में अपन सब लोग बहुत चलते हैं है ना मेरे बचपन में हम लोग चर्च पैदल जाते थे काफी लंबा चलना पड़ता था स्कूल में मैं पैदल चलता था काफी लंबा चलना पड़ता था चंबल में जब भी मैं प्रचार के लिए जाता हूं भाई रंजीत के साथ मैं काफी चलता हूं लेकिन चाहे यह सफर कितना भी लंबा लगे घंटे आध घंटे से ज्यादा नहीं चलता है जीवन में जो सबसे लंबा सफर है सामान्यतया वो पति या पत्नी के साथ जो जो चलना है वो होता है मैं ये मान के चल रहा हूं कि पति पत्नी पूर्ण जीवन बिताते हैं एक आध बार परिवार में लोग असमय गुजर जाते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सामान्य जीवन है उसमें हम एक अन्य व्यक्ति के साथ जो चलते हैं उसमें सबसे लंबा जीवन वो पति और प, वो सबसे लंबा जो जो वॉक है जो जो चलना होता है वो पति या पत्नी के साथ होता है तो प्रभु ने आज अब जैसे मैंने आज देखा आत्मिक जीवन में मेरे जो गुरुदेव हैं जो चंबल इलाके के गुना में और उसी के पास झांसी वगैरह में प्रभु की शिवपुरी में झांसी में प्रभु की सेवा करते थे आज उनका चित्र मैंने देखा वैवाहिक जीवन को साठ साल हो गए हैं साठ साल से वो पुरुष उस स्त्री के साथ और वो स्त्री उस पुरुष के साथ चल रही है इतना लंबा एक दूसरे के साथ चलना जीवन के किसी काम में हम नहीं होता है तो उत्पत्ति पहले अध्याय में और उत्पत्ति दूसरे अध्याय में हमने स्त्री की सृष्टि के बारे में जो देखा उसमें ये नहीं कहा है कि मैं उसके लिए एक दासी का निर्माण करूंगा मैं उसके पैरों की जूती का निर्माण करूंगा जिससे कि पुरुष जीवन पर उसको रोनता रहे नहीं मूल इब्रानी भाषा का तात्पर्य यह है मैं पुरुष के लिए एक सखी बनाऊंगा हिंदी में सखी का पुल्लिंग सखा होता है तो मैं एक सखी बनाऊंगा जिसका मतलब है परमेश्वर चाहते थे कि सखी और सखा आदन की वाटिका में आजीवनात रहे ये बात अलग है कि उन्होंने अपनी गलती से उसको खो दिया लेकिन परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं थी परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वे उस गार्डन में उस बगिया में आजीवनांत रहे और उनका तो आपस का जो वॉक था बहुत लंबा था 900 के करीब साल था ऐसा मेरा एकदम से याद आता है उन दिनों तो 500 600 800 900 नौ साल लोग रहते ही थे तो पहली बात विवाह का मतलब सेक्स नहीं है और सभी लोग कान खोल के सुन लें। विवाह का मतलब है एक सखा एक सखी एक दूसरे के साथ आजीवनांत चले प्रभु ने मदद की तो हम हर महीने के पहले हफ्ते इन विषयों की चर्चा करेंगे भाई रंजीत तो ऑलरेडी मचल चुके हैं कि सर फिलहाल पहाड़ी उपदेश को जरा हटाकर रख दें। इसी विषय को जारी रखें मैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत चल चुके हैं सत्ताईस साल हो सकता है इस कारण में उनका कहना मान जाऊं देखते हैं देखते हैं कि वो कितना मुझे मना सकते हैं इन्हीं वे anyway, वैवाहिक जीवन के बहुत सारे पहलुओं की हम चर्चा करेंगे यदि प्रभु ने मदद की तो इसका कारण यह है कि विवाह के बारे में हमारा दिमाग बिल्कुल फिर चुका है इस बात को याद रखें तो विवाह का मतलब यह है कि एक सखी और एक सखा एक दूसरे को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर पर आश्रय रख के एक सच्चे सखा के रूप में और एक सच्ची सखी के रूप में प्रभु की इच्छा के अनुसार चले ऐसा होता है क्या बहुत कम होता है दो पीढ़ियों पहले तक तो ऐसा होता था कोई शक नहीं है लेकिन हमारी पीढ़ी में मतलब हमारी से मेरी पीढ़ी से मतलब नहीं हम जिस पीढ़ी में रह रहे हैं यहां स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में तो लोग ट्रायल मैरिज की तक बात करने लगे हैं पता नहीं आप कपड़े के रेडीमेड दुकान में कितनी बार जाते हैं कई रेडीमेड दुकानों में एक ट्रायल कमरा होता है आप जो पैंट शर्ट कोट सूट रेडीमेड खरीदना चाहते हैं उस कपड़े उस कमरे में जाकर ट्रायल ले सकते हैं और यदि ट्रायल लेने के बाद आपको पसंद नहीं आए तो फेंक दीजिए उस कपड़े को दुकानदार के सामने डाल दीजिए पिछले 25 साल से ये चल रहा है 25 से 30 साल से ये चल रहा है लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है कि विवाह का भी ट्रायल होना चाहिए हम पहले ट्राई करके देखें कि हम एक दूसरे के लिए वैवाहिक जीवन के हर पहलू के लिए उत्तम है या नहीं नहीं तो हम विवाह को जो है विच्छेद करके अपने अपने रास्ते पर चल देंगे आज हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में ऐसा ही होता है मैं उन इलाकों का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आजकल कोई भी बात बोलो तो पचास लोग जो है वो डंडा लेके खड़ा हो खड़े हो जाते हैं लेकिन हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में एक लड़का यदि लड़की को पसंद कर लेता है तो वो लड़की अपना घर छोड़ के लड़के के साथ चले जाते हैं और दोनों मिलकर ये मैं ऐसे प्रदेश की बात कर रहा हूं जो नगर सभ्यता से दूर है तो एक दूसरे वे अपना मकान छोड़ के किसी जगह जाके बास से एक मकान बना लेते हैं और उस मकान में एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं पति पत्नी के रूप में इस तरह से रहने के कुछ समय के बाद यदि लड़की गर्भवती हो जाती है और यदि उनको लगता है कि हाँ हम पति पत्नी के रूप में जीवन बिताने के लिए उपयुक्त है तो फिर उसके बाद सबको इन्फॉर्म करते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं जैसा मैंने बताया नगर सभ्यता से कुछ दूर हटके आज हिंदुस्तान में ये कई जगह हो रहा है नगर सभ्यता में भी धीरे धीरे ऐसे होने लगा है पिछले दिनों मैं अपने एक डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब शादीवादी का क्या है तो उन्होंने कहा कि एक को देख लिया है तो मैंने कहा कि अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है तो अब पार्टी डॉक्टर का जवाब था कि पार्टी के लिए अभी थोड़ा समय है पहले हम लोग एक दूसरे के साथ साल छे महीने रहेंगे पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे और उसके बाद यदि हम दोनों को ही संतोष हो जाए तब हम शादी करेंगे मैंने सर पीट लिया कि मेरे डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि विवाह जो है ट्रायल रूम नहीं है एक रेडीमेड कपड़े की दुकान का ट्रायल रूम नहीं है परमेश्वर ने आदम से ये नहीं कहा कि ये छह स्त्रियां हैं इन सबके साथ पति के रूप में रहो और इसमें से जिसको तुम चूज करोगे उसको मैं तुम्हारी पत्नी मान लूंगा ना ही स्त्री से कहा कि है हवा ये छह पुरुष हैं तुम भी एक काम करो आदम ट्रायल में लगा हुआ है तुम भी ट्रायल पे लग जाओ और उसके बाद तुम जो कहोगे उससे उसको तुम्हारा पति घोषित करेंगे वैवाहिक जीवन ऐसी चीज है जहां कोई ट्रायल नहीं है जहां आप विश्वास के आधार पर परमेश्वर पर भरोसा रखकर एक व्यक्ति को के बारे में डिसाइड करते हैं और एक व्यक्ति के बारे में डिसाइड करके निर्णय लेने के बाद उस व्यक्ति के प्रति आजीवनांत समर्पित हो जाते हैं आप कहेंगे कि शास्त्री सर लेकिन एक व्यक्ति को देखने से कुछ पता तो नहीं चलता बिल्कुल सही है एक व्यक्ति को देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता और खासकर जिन्होंने शादी की नहीं है जिनको आटे दाल का भाव नहीं मालूम मेरे कहने का मतलब है कि शादी करो तब आटे दाल का भाव पता चलेगा जिनको जिन्होंने शादी नहीं की जिन्हें आटे दाल का भाव नहीं मालूम वे लोग अपने लिए लड़के लड़की चुने वो लोग क्या जानते हैं जिंदगी के बारे में इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा लेकिन अभी मैं ये बता देना चाहता हूं कि यदि आज जो लड़के लड़की मेरा संदेश सुन रहे हैं यदि उनको लग रहा है कि शास्त्री अंकल कह रहे हैं कि ट्रायल वगैरह नहीं लेना है विश्वास के आधार पर शादी करो तो यह असंभव बात है तो मैं उसके साथ साथ एक बात और याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय बच्चे मेरी प्रिय बच्ची तुम अनुभवी अनुभवहीन हो तुम देखती हो कि एक लड़का क्या मुस्कुराता है अरे तुमको क्या मालूम वो मुस्कुराहट तो मुखोटा है उसके नीचे तो शैतान का जो है बड़ा भैया है और लड़कों को मैं याद दिलाना चाहता हूं लड़के जो है लड़कियों को देख के अरे सर मैं तो उसकी मुस्कुराहट पे मर गया अक्सर कहना पड़ता है कि अभी तो मृत्यु सिर्फ मनी मन हुई है उससे शादी कर लो तो पूरी मौत हो जाएगी क्योंकि वो तो शैतान की नानी है इसलिए जो लोग आज मेरा संदेश सुन रहे हैं उन बच्चों को मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रिय बच्चों प्रिय नौजवानों प्रिय नव युवतियों तुम मनुष्य को नहीं जानते तुम्हें मनुष्य की पहचान नहीं है इस कारण जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो तुम्हारे माँ बाप इस मामले में बहुत अधिक अनुभवी हैं और अनुभवी होने के कारण हमेशा माँ बाप पर निर्भर रहो तुम्हारे भी होंगे चाचा ताऊ तुम्हारे भी होंगे मामा मामी बुआ फूफा इनमें से मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से हर व्यक्ति एक संत है नहीं लेकिन जब एक मसीही परिवार में जब इतने सारे लोग होते हैं तो उसमें हो सकता है कम से कम दो चार लोग तो ऐसे अनुभवी और भक्त निकल आए जिन्हें जिंदगी का तजुर्बा है उस व्यक्ति से चर्चा करो उस व्यक्ति से चर्चा किए बिना अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनकर यदि तुम जंप कर जाओ तो संभावना इस बात की है कि तुम एक अथाह बिना थाह के कुएं में कूद रहे हो या आग में कूद रहे हो इस विषय में मैं और डिटेल्स बाद में बताऊंगा लेकिन जब भी इन विषयों पर मैं बात करता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है सुनने वालों के बीच में बहुत सारे अविवाहित युवा और युवती हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उनको इतनी बुरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं उनका दिमाग इतनी बुरी तरह से फेर रहे हैं कि वे अपने आप को समझदार समझकर अपने स्वयं की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं जिस तरह से चूहे को चूहेदान में जो भोजन है वो देखकर लगता है आय हाय क्या स्वादिष्ट भोजन है इस तरह से ये बच्चे अपनी पसंद के लोगों से शादी करने पे जिद करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं बाकी डिटेल्स मेरे प्रिय बच्चों मैं फिर बताऊंगा आते रहना ठीक है सवाल यह है कि परमेश्वर ने जिस चीज को देखने के बाद कहा कि अच्छा है वो इतना भ्रष्ट कैसे हो गया इसके पीछे कारण है प्रभु के वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ आता है वो बुरा ही बुरा है प्रभु के वचन में कई जगह हम देखते हैं इसका कारण विस्तार में रोमियो की पत्री के सातवें अध्याय में मिलता है रोमियों की पत्री सातवां अध्याय कहता है कि मैं जानता हूं कि भलाई क्या है लेकिन जो है मैं बुराई करता हूं मैं बुराई से घिन करता हूं लेकिन करता वही हूं बाद में प्रभु के वचन में रोमियो की पत्री सातवें अध्याय में ये बात स्पष्टतया बताई गई है कि जानते हुए भी हम गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक पाप स्वभाव है आदम और हवा ने जब पाप किया तो उसके साथ साथ उनका स्वभाव पापी हो गया वो पापी स्वभाव हमेशा हमारे अंदर रहेगा कब तक शाश्वत काल तक नहीं जब तक हम इस नश्वर शरीर में हैं, ये नश्वर शरीर कल को हमसे छूट जाएगा जब प्रभु यीशु मध्य आकाश में आकर हमको मध्य आकाश में ले जाएंगे सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने उद्धार पाया है उनको जब मध्य आकाश में ले जाएंगे तो मध्य आकाश में ले जाने से पहले जो लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं उनका रूपांतर हो जाएगा रूपांतर के साथ साथ वो पाप का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर से हटा दिया जाएगा जो लोग प्रभु में सो चुके हैं वे पुनर्जीवित हो जाएंगे और जब पुनर्जीवित होंगे तब पाप का स्वभाव नहीं होगा लेकिन जब तक हम इस संसार में जीवित हैं तब तक वो पाप का स्वभाव हमारे अंदर है और इस कारण उस पाप स्वभाव के कारण जिस चीज को पद्मेश्वर ने देखा और कहा कि वो उत्तम है उसी को मनुष्य भ्रष्ट कर देता है वैवाहिक जीवन इस तरह से मनुष्य के द्वारा भ्रष्ट की गई बातों में सबसे बड़ी संस्था है विवाह एक संस्था है एक इंस्टीट्यूशन है जिसे पर जिसकी स्थापना परमेश्वर ने की है परमेश्वर ने जिन संस्थाओं की, की स्थापना की थी उसमें से सृष्टि के समय सबसे बड़ी संस्था थी वि, संस्था विवाह वैवाहिक जीवन परिवार पाप स्वभाव के कारण मनुष्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया इसका परिणाम यह है कि वैवाहिक जीवन को भ्रष्ट करने वाली तमाम सारी शिक्षाएं हमारे चारों तरफ है और अब तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इतना प्रसार हो गया है कि हम चाहे ना चाहें इस तरह की शिक्षाएं हमको मिलती रहती हैं इसके साथ साथ एक बात और हो गई है इस संसार का अधिपति अल्टीमेटली संसार परमेश्वर के हाथ में है लेकिन जब तक नया आसमान और नई पृथ्वी की सृष्टि नहीं होती तब तक संसार का अधिपति कौन है थोड़े से समय के लिए शैतान का आधिपत्य दूर होगा लेकिन फिर भी खत्म नहीं किया जाएगा खत्म तो किया जाएगा नया नया आसमान नई पृथ्वी के साथ उसके पहले शैतान को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा तब तक संसार का अधिपति कौन है शैतान शैतान परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर संस्था को तोड़ने पे उतारू है परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हर शाश्वत सत्य को असत्य सिद्ध करने पर तुला हुआ है आप पूछेंगे शाश्वत सत्य का मतलब क्या है शाश्वत सत्य का मतलब है वे सच्चाइया जो समय और काल और समाज के हिसाब से बदलती नहीं है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो समय और काल और समाज के बदलने के बावजूद नहीं बदलती हैं। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना दे देना ये एक शाश्वत सत्य है इस बात को याद रखें इस तरह से प्रभु के वचन में सैकड़ों हजारों शाश्वत सत्य हमको मिलते हैं शैतान हमारे दिमागों को पूर्ण रूप से वशीकरण करके अपने हाथों में लेने के लिए जो सबसे बड़ी चाल चलता है वो यह है कि इन शाश्वत सत्यों को हमारे मन से मिटा कर उसके बदले शैतानी तथ्यों को शैतानी फिलोसफियों को शाश्वत सत्य के नाम पर हमारे मनो में भर दे भजन एक एक में हम पढ़ते हैं क्या ही मनुष्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता दुष्टों की युक्ति क्या है शैतानी शिक्षाएं जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता अरे रास्ते में खड़ा हो गया तो क्या हुआ लोग पूछते हैं मार्ग में खड़े हो गए तो क्या हुआ मार्ग में खड़े होने को इसलिए मना किया है कि यदि हम पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं तो उन लोगों की शिक्षा उन लोगों का नजरिया धीरे धीरे हम लोगों का नजरिया हो जाएगा आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल वो बाजार जाते हैं तो हर जगह पापी ही पापी है पापियों के मार्ग का मतलब ये नहीं है कि सड़क पे ना चले पापियों के मार्ग का मतलब यह है कि पापियों की जो मंडली है और हम सब जानते हैं कि जिन समाजों में हम रहते हैं हमारे जो मित्र आदि हैं उनके बीच में कुछ मित्र ऐसे हैं जो सामान्य जीवन बिताने के बदले जिनका विश्वास लुच्चाई में ज्यादा है जब प्रभु का वचन कहता है कि पापियों के मार्ग में ना खड़े हो तो उसका मतलब यह है कि हमारे मित्रों के बीच में जो लुच्चे लफंगे हैं उनसे दुआ सलाम तो रखो दुश्मनी किसी से नहीं करनी है लेकिन दुआ सलाम के अलावा उससे ज्यादा ना हो उनके साथ खान पान मत करो उनके साथ रोटी बेटी का संबंध मत रखो उनको मील भर दूर रखो और बस मिल गए तो दुआ सलाम किया और हेसक लिए ये है पापियों के मार्ग में खड़े ना होने का मतलब उपहासियों की मंडली में ना बैठता हो जो उपहासियों की मंडली का क्या मतलब है जिस जगह उपहास चल रहा है शाश्वत सत्य का उपहास चल रहा है जो शाश्वत सत्य को मजाक के तौर में लेते हैं ऐसी मंडली में नहीं बैठना आप पूछेंगे अरे मंडली में तो बैठ रहे हैं हम हम तो उपास नहीं कर रहे बिल्कुल सही बात है लेकिन आपको एक बात मालूम है क्या हिंदी में कहावत है रसुरी आवत जावत है परे सिल पर निशान रसूरी मीन्स रस्सी सिल मीन्स पत्थर आज भी कई गांवों में ऐसे कुएं हैं जहां बाल्टी और रस्सी से पानी खींचना पड़ता है उसके लिए पत्थर की एक पटिया डाल दी जाती है और उस पटिया पे रस्सी धीरे 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 नीचे उतारी जाती है पटिया पर खींची जाती है इस तरह का कुआं यदि किसी ने नहीं देखा है तो ये आपका दुर्भाग्य है क्योंकि उस कुएं में एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है भजन एक को समझने के लिए इस तरह के कुएं बहुत अच्छे हैं इन कुओं में जब रस्सी बार बार उतारी चढ़ाई जाती है तो सिल शिला पत्थर जिस पर वो रस्सी आती जाती है वहां वो रस्सी पत्थर को काट देती है और इसलिए ये कहावत किसने कहा है ये कहावत रसुरी आवत जावत है परे सिल्पर निशान रस्सी आती जाती है तो पत्थर को काट देती है इसको गैर मसीह ने कहा इवन गैर मसीही लोग इस बात को जानते हैं कि सॉफ्ट रस्सी बार बार यदि पत्थर को रगड़े तो पत्थर को काट देती है तो यदि आप उपहासियों की मंडली में बैठते हैं तो बार 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 वे लोग जो उपहास करते हैं वो आपके कानों में जाता है आपके मन में जाता है आपके मन को पूरी तरह से अशुद्ध कर देता है तो आज शैतान की परिवार के बारे में शैतान की जो फिलोसफिया हैं, वो उपहासियों की मंडली में बैठने पापियों के मार्ग में खड़े होने के कारण हमारे मनों को प्रभावित कर रहा है खत्म करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूं आजकल घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है पापियों की मंडली और उपहासियों की मंडली के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं आपके हाथों में वो जो छोटा सा यंत्र है जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं उसके द्वारा पता नहीं कितनी सारी कितना सारा कचरा हमारे मनों में जाता है और आजकल तो माँ बाप जो है बच्चा पैदा हो उसके पहले ही जो है आ, मतलब माँ के पेट से बाहर निकले इसके पहले ही जो है डॉक्टर को एक मोबाइल देख के पूछ लेते हैं कि आप बच्चे तक पहुंचा देंगे क्या हमारी आदतें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि उस बच्चे को जो चीज भ्रष्ट कर सकता है जो उसके हाथ में तब दी जानी चाहिए जब उसको भले और बुरे का ज्ञान हो जाए वो पहले उसको दे रहे हैं पहले जहर पिला रहे हैं और उसके बाद जीवन का पाठ दे रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों परमेश्वर के द्वारा स्थापित हर स्थापना का विरुद्ध विरोध शैतान करता है परिवार उसमें से सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस कारण इस इंस्टीट्यूशन का हम ख्याल रखें जो शादी कर चुके हैं वे इस बात को याद रखें कि आपको परमेश्वर ने दास और मालिक नहीं बनाया है सखी और सखा बनाया है इसका पोषण करना ना भूलें दूसरी बात आज शायद जो लोग सुन रहे हैं इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है अभी भी वो ठीक हो सकता है मसीही जीवन में बहुत देर गई ऐसी कोई बात नहीं है आते रहें इन क्लासेस में आते रहें आज लगभग मेरा अनुमान है बावन चौवन लोग जूम पर आए जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे थे वो अलग है लेकिन क्या सिर्फ इतने ही लोगों को परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों की जरूरत है क्या सिर्फ इतने ही लोगों को परिवार के बारे में जानने की जरूरत है इसलिए अगले महीने पहले हफ्ते जब हम प्रभु ने मदद की तो परिवार के बारे में अगला क्लास लेंगे तब कम से कम अपने दो दो मित्रों को दो दो परिवारों को आने के लिए प्रोत्साहित करें आज प्रभु ने मुझे इन बातों को आपके सामने रखने के लिए जो मदद की उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ भाई रणजीत जिन्होंने अनुरोध किया कि सर हिंदी में भी कुछ होना चाहिए मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरी आंखें खोल दी कि पी के द्वारा भी हम इन क्लासेस को प्रस्तुत कर सकते हैं और आज वो मचल रहे थे कि डील हर बार यही क्लास हो जाए देखेंगे अपन बात करेंगे इन okay. इन सब बातों so को, इन सब बातों बातों को को समझने के लिए और आ, आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सबकी मदद करे प्रभु के नाम की स्तुति हो थैंक यू सो मच सर मैं एक्चुअली आप बोल रहे थे मैं सारे बाइबल लेकर के आपके साथ गया था <laughs> तो सारे ये करके एक्चुअली कंपेनियन इज द राइट वर्ड सर मैं आप जो हेल्पर इज नॉट द राइट वर्ड कंपेनियन आप सही बोल रहे थे मैं कम से कम ये सारे हिंदी सारे आप बात कर रहे थे उस समय मैं सारे ट्रांसलेशन क्योंकि पकड़ के मैं बैठ गया बिल्कुल यू आर राइट कंपेनियन और सखी इज द राइट वर्ड और ये बहुत उचित शब्द आपने बताया हमारा आंख खोल दिया और हमारा बीच में कभी कभी आ, भाई लोग भी बोल तु, तुझे मैं छोड़ दूंगा <laughs> तुझे मैं छोड़ दूंगा और बहन लोग भी बोल रहे तुझे मैं छोड़ दूंगी मेरा प्यारो बहन लोग और भाई लोग आपका और मेरा अधिकार नहीं है छोड़ने का आज आपने सुना अब्राहम जो पहला जो मनुष्य आदम करीब 900 साल अगर हब्बा का साथ रुके हम लोग दो साल के बाद एक साल के बाद कभी के हमारा मन, मन में आता है छोड़ दूंगा अरे धमकी दे रहे हो कि यार क्या कर रहे हो आप धमकी दे ना देना बहन आप भी धमकी ना दे हम लोग एक परिवार का जीवन के बारे में हम सीख रहे थे ये परमेश्वर का जो बनाया हुआ परिवार है उसको आप और मुझे धमकी दे करके इस प्रकार का व्यवहार ना करे और आप और मैं एक कंपेनियन है स्वर्ग का परमेश्वर का एक चित्रण आज जॉनसन सर हम सभी को बता रहे थे कि ये चित्रण को हम लोग अपने आप को धोखा ना दे और संसार का जो डिवाइस जो हमारा हाथ में दिया है वो फलाना देखा ये है और जो ट्रायल रूम जैसा ना करे एक स्वर्गीय जो परिवार है आत्मिक परिवार है और एक, बा, एक बात मैं बताऊं जमशन साहब एक बात आप लोग को पॉइंट आउट किया था बहुत रणजीत तुम्हारा मोबाइल ऑफ हो गया एक परिवार का एक लड़का एक छोटा सा गलती के कारण एक स्मॉल गलती विद्वान है लड़का प्रभु को छोड़कर के हिंदू धर्म को ग्रहण किया बापति ले लिया उद्धार पाया आपने जो बताया था ना सर जो दुष्टों का मार्ग में और जो जो स्कॉफर का बीच में आप अगर सुनते रहेंगे माइंड भटक जाएगा मेरे प्यारो युवा और युवती हो प्रभु का दास दासी लोग भी आप अगर बार बार दूसरे बात को सुनते जाएंगे आप भी भ्रष्ट और परमेश्वर से दूर होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा ये ज्यादा समय नहीं लगता प्यारों भाई और बहनों भटकने के लिए ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है इसीलिए हम लोग ध्यान पूर्वक प्रभु के पास रहने के लिए कोशिश करें जो बात आज हम लोग ध्यान पूर्वक सुना करीब अंठावन लोग हम लोग थे और ध्यान पूर्वक सभी लोग सुन रहे थे और मैं प्रार्थना करूंगा कि आने वाला दिनों में और ज्यादा से ज्यादा लोग सुने जब प्रभु का वचन को सुनेंगे विश्वास में हम लोग मजबूत रहेंगे नहीं सुनेंगे तो हम लोग भटकने का बहुत संभावना है थैंक यू सो मच सर जॉनसन सर आपको वचन बच्चन की धन्यवाद मैं व्यक्तिगत रूप से हमारा टीम के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक यू सो मच